अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बनाने वाले हैं अक्का बैंगन का सालन। ये है कांटे वाला बैंगन है, मोस्टली ज़्यादातर यही यूज़ होता है अक्का बैंगन के सालन में। इसका मसाला मैं आपको बताता हूँ। एक नारियल है जिसका हम लोग मिल्क यूज़ करेंगे एक्स्ट्रैक्ट करके, एक प्याज, दो टमाटर, थोड़ा सा धनिया है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर फ्लेक्स है या अक्का धनिया है, आप लोग उसको ऐसा भी डाल सकते हो या तो फिर आप लोग पीस के भी डाल सकते हो। ग्रीन चिल्ली पेस्ट 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून और पीनट्स है जो हम लोग इसको रोस्ट किए, ये 100 ग्राम है। तो थोड़ा सा इमली का पानी भी यूज़ करेंगे हम लोग, टैमरिंड वाटर। ये तिल है जिसको हम लोग ने रोस्ट किया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी, ये भी हम लोग ने अच्छे से रोस्ट किए है। बस यही पूरा मसाला है अक्का बैंगन का सालन। जो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, फर्स्ट काम हम लोग ये करेंगे, जितना भी पूरा मसाला पाउडर है, पीनट्स, टमाटर, तिल, जीरा और मेथी और एक प्याज, इसका हम लोग अच्छे से मिक्सर में इसका अच्छे से पेस्ट बना के लेंगे पहला, उसके बाद में फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखो, प्याज और टमाटर हम लोग ने अच्छे से कट कर दिए। देखो, पूरे बैंगन को ऐसा कट करके लेना है। और चेक कर लो इसमें कोई कीड़ा है कि नहीं। इट्स वेरी गुड, एकदम क्लियर है। ये कांटे वाला बैंगन है ना, तो एक एक कांटा ऐसा रहता तो सब निकालना चाहिए। देखो, सब काटा निकल गया। इसको ऊपर से थोड़ा से कटिंग करने का, एक भी कीड़ा नहीं है, एकदम क्लीन है। बस इसी तरह सबको क्लीन करना है। देखो, बैंगन काला ना पड़े इसके लिए हम लोग 1 चम्मच हम लोग सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। देखो, एक प्याज डाल रहे और 2 टमाटर, ये पूरा मसाला डाल रहे। इसको अच्छे से पेस्ट बना के लेंगे, तिल, जीरा और मेथी और रोस्टेड पीनट 100 ग्राम। देखो, हम लोग टैमरिंड को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे, ये टैमरिंड वाटर भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखो, बहुत जबरदस्त पेस्ट बना है। हम लोग खाली इसमें टैमरिंड वाटर ही यूज किए, नॉर्मल वाटर इसमें यूज नहीं किए, क्योंकि प्याज और टमाटर का भी जूस इसमें निकला है। देखो, हम नारियल के छुपे को इस तरह हम लोग जला रहे हैं ताकि नारियल बहुत जल्दी से बाहर निकल जाए। अभी हम लोग कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट करेंगे। नारियल को अच्छे से हम लोग ने बारीक काट दिए। अगर इसका वीडियो भी अगर आपको चाहिए होगा, कोकोनट मिल्क कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लीज कमेंट बिलो। देखो, हमने नारियल को हमने सूखा पीस दिए। अभी हम लोग पानी ऐड करेंगे, इसको फिर से हम लोग पीस के लेंगे। देखो, बहुत अच्छे से हम लोग ने एक नारियल का मिल्क निकाल दिए। ये 3 चम्मच तेल डाल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद पहला काम हम लोग बैंगन को फ्राई करके ले लेंगे अच्छे से। बैंगन को चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करके लेना है, इसको 80% तक फ्राई करके लेना है, 120% काले में पकेंगे।
देखो बैगन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी हम लोग इसको निकाल देंगे। ये पूरा देखिए वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अभी क्या करेंगे? मसाला डालेंगे, जो पीसे है ना मसाला, वो डालेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और जो मसाले में जो पानी जो प्रेजेंट है वो भी मतलब सूख जाना चाहिए ना? हाँ, अच्छे से सूखना चाहिए, अच्छे से नहीं क्या, तेल तरी तेल की तरी आना चाहिए। अगर तेल का तरी आ गया तो इसका मतलब है मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया। ये बचा हुआ इमली का पानी है, हम लोग नॉर्मल पानी यूज नहीं किया अभी तक। देखो मसाले को अच्छे से भून के लेने का, अच्छा पकना चाहिए मसाला। ये जो रेसिपी है अक्खा बैगन का सालन, वो मेरी माँ की रेसिपी है, लेकिन ये रेसिपी को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो जब तक मसाला अच्छे से रोस्ट हो जाए, जब हम लोग कवर करेंगे। A few moments later. अच्छे से भुन गया मसाला, अच्छे से भुन गया, तेल आ गया ना साइड में, पूरा तेल ऊपर से, अच्छे से तेल आ गया ऊपर से, परफेक्टली मसाला इज डन। मसाला ऐसा भून के ले लेगा, परफेक्ट बना है ना, एकदम नंबर वन। अभी टाइम आ गया है कॉकटेल मिल्क ऐड करने का। वाओ क्या ब्यूटीफुल है, देखो मसालेदार अक्खा बैगन का सालन का कलर क्या ब्यूटीफुल हुआ है। आप लोग घर पे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करो कि कैसा बना है। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बैंगन भी अच्छा पक गया और मसाला भी अच्छा पका हुआ है। जैसा ही बॉईल हो जाएगा, हम लोग अक्खा बैंगन का सालन बन जाएगा। A few moments later. देखो मसाले के साथ बैंगन बहुत अच्छे से पकना चाहिए, 10 मिनट जाएगा उसके बाद में फिर अपना सालन रेडी हो जाएगा। अभी हम लोग कवर करके इसको 10 मिनट तक हम लोग स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। After 10 minutes later. देखो 10 मिनट हो चुका है, ब्यूटीफुल एक नंबर। देखो ग्रेवी का कितना थिकनेस है, वही हिसाब से आप लोग पानी अपने हिसाब से ऐड कीजिए। फाइनली अपना मसालेदार बैगन का सालन बनकर रेडी हो गया है। ये अक्खा बैंगन का सालन कैसा बना है आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। देखो मैंने टेस्ट किया है कि अक्खा बैंगन का सालन बहुत ब्यूटीफुली बना है, बहुत जबरदस्त बना है। एक बार घर पे ट्राई कीजिए, ट्राई इट वंस एट होम। देखो कितना अच्छे से बना है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफाइड माई नेक्स्ट वीडियो।
प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।